Good morning, friends. May Dr. V.K. Mishra from Gastro Liver Hospital, Swarupnagar, Kanpur. At the outset, a request. हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें. ये वास्तव में एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है. ये जो वीडियोस हैं इन्हें शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके. आज हम बात करेंगे कि जो एक्सेसिव वरीइंग की आदत है, छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा चिंता करने की आदत है, छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा टेंशन पालने की आदत है, ये आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव डालती है साइंटिफिकली. आज हम बात करेंगे हाउ एक्सेसिव वरीइंग अफेक्ट्स योर बॉडी. नाउ देखिए, जो छोटी छोटी चिंताएं हैं नाउ एंड देन तो सभी को होती हैं, बट दे आर नॉट अ प्रॉब्लम. साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको इतनी चिंता की आदत है या वरी करने की आदत है कि ये आपको डेली डेली जो एक्टिविटीज हैं आपके वर्क में हैं, आपकी होम लाइफ, आपकी जॉब, इनमें अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है. ये भी बात सही है कि कंटिन्यूअस जो वरिंग है ये आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी और एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको जो लगातार चिंताएं होती हैं, वरीज होती हैं, ये वास्तव में एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा हो सकती है. इसलिए उसके लिए आपको शायद डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है. अगर आपको बहुत वरी करने की आदत है तो आपके नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट आता है, ये देखिए. जहां तक हमारा नर्वस सिस्टम है ये चार चीजों से बना हुआ है. ब्रेन, ब्रेन के पीछे से स्पाइनल कार्ड या जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, उसमें से नर्व्स निकलती हैं जो मेरी पूरी की पूरी बॉडी में जाती हैं और उसके अंदर जो पतली सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, ये वास्तव में दिस इज द स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है. साइंस ऐसा मानती है कि लगातार चिंता करने से, टेंशन करने से, एंजाइटी पालने से वास्तव में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक कॉर्टिसोल, ये वास्तव में एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और ये जो चेन रिएक्शन है वो वास्तव में हमारे नर्वस सिस्टम के एवरी लेवल पर इफेक्ट डालती है एंड वास्तव में इसको डैमेज करने की ताकत रखती है. नाउ लुक एट द मसल्स. अगर आपको एक्सेसिव टेंशन एंड वरी की आदत है तो सबसे ज्यादा जो स्पाज्म आता है ये नेक मसल्स में आता है एंड शोल्डर मसल्स में आता है. आप देखेंगे जब भी आप भी आपको छोटे छोटे चीजों पर चिंता की आदत होगी तो ये जो मस्कुलेचर है इसमें सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेस, टेंशन या पेन डेवलप होगा. एंड ये अगर आपको डेवलप होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको सिर में दर्द या माइग्रेन हो जाएगा एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. तो अगर आपको एक्सेसिव वरी है तो आपको देखने की जरूरत है कि कहीं आपको जो मसल स्पाज्म वो तो नहीं डेवलप हो रहे हैं या टेंशन हेडेक तो नहीं डेवलप हो रहा है. नाउ जहां तक हार्ट का सवाल है, आप जानते हैं कि जब भी आपको ज्यादा एंजाइटी होती है, ज्यादा वरीज होती हैं तो हार्ट पर एक नेगेटिव इफेक्ट तो आता है. जब भी एंजाइटी होगी तो आप स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे. स्ट्रेस हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो वास्तव में हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर लेके चलेंगे, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा के चलेंगे, इवन ब्रेन स्ट्रोक का जो एक रिस्क है वो हमेशा ज्यादा रहेगा. जब भी आपको एंजाइटी होती है तो कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर जाता है, आपके नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन का लेवल ऊपर जाता है एंड एंजाइटी के उसमें वास्तव में आपको एड्रेनालिन रश हो जाता है एंड रश के चलते आपके हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एंड ये दोनों चीजें अल्टीमेटली आपकी जो हार्ट की हेल्थ है उसके लिए डेट्रीमेंटल प्रूव होती हैं. नाउ लुक एट ब्लड शुगर. अगर आप कंटिन्यूअस एंजाइटी स्टेट में हैं तो आपको कॉर्टिसोल सिक्रेट होगा एंड आप लगातार ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये आपको कैटाबॉलिक स्टेट में रहेगा और जो कैटाबॉलिक स्टेट में रहेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साइंस ऐसा मानते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा. अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाएगी. एंड ये भी बात सही है कि अगर आपको डायबिटीज मेलिटस ऑलरेडी है, आप मेडिकेशन में हैं और ये ठीक कंट्रोल है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस परसिस्ट करती है, एंजाइटी परसिस्ट करती है या छोटी छोटी चीजों पर लगातार वरी करने की आदत है तो आपका जो शुगर का कंट्रोल है वो डू स्टेबिलाइज हो जाएगा एंड वो हेवायर हो जाएगा. नाउ लुक एट द डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टमक की. स्टमक में जब भी आपने देखा होगा घबराहट होती तो खाने की थैली या पेट के अंदर एक बटरफ्लाई जैसी फीलिंग आ जाती है, कभी आपको नौशिया आ जाता है, कभी आपको वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाता है. आपने देखा होगा कि आपको बहुत टेंशन एंजाइटी होती है तो आपकी भूख एकदम गायब हो जाती है. साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको कंटिन्यूअस एंजाइटी की स्टेट बनी हुई है तो आपका जो स्टमक है वो एसिड ज्यादा सिक्रीट करता है. एसिड ज्यादा सिक्रीट करेगा तो अल्सर जैसी चीज होने की संभावना बढ़ जाएगी. बहुत सारे अल्सर्स पेट के अंदर होते हैं जिन्हें कहते हैं स्ट्रेस अल्सर्स, जो सिर्फ स्ट्रेस के चलते पैदा होते हैं. वैसे भी अल्सर की जहां तक डिजीज है इसके लिए माना जाता है कि इसके जो बेसिक रीजंस हैं दे आर हरी, वरी एंड करी.
सो हरी एंड वरी आर द रीजंस जिसके चलते एसिड ज्यादा बनने के चलते जो ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर है उनका जो इंसिडेंस है वो हमेशा सामान्य से ज्यादा होता है. नाउ लुक एट द इंटेस्टाइन. जो इंटेस्टाइन का सवाल है, अगर आपको बहुत वरी और एंजाइटी स्टेट परसिस्ट करती है तो आपकी इंटेस्टाइन के हैबिट सब गड़बड़ा जाते हैं. आपको डायरिया हो जाता है जिसे नर्वस डायरिया कहते हैं. आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है. आपको अल्टरनेट डायरिया अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकता है. इसके अलावा बहुत सारी बार आप देखेंगे कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें क्रेम्स, पेन या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स जो है डेवलप होना चालू हो जाते हैं. तो अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ऊपर से आपको एंजाइटी स्टेट परसिस्ट कर रही है, ज्यादा वरी करने की आदत है, जो इंटेस्टाइन के सभी सिम्टम एक्सेसरबेट हो जाएंगे. जो एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसका अटैक जैसा प्रिसिपिटेट होने की संभावना है. नाउ लुक एट द इम्यूनिटी सिस्टम. साइंस ऐसा मानती है कि जो एक्सेसिव वरी है या एंजाइटी स्टेट है वो बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है. उनमें कॉर्टिसोल ही सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड ये जो हार्मोन है ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको सप्रेस करके चलता है. आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहेगी. आपकी अगर इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहेगी तो आप छोटे छोटे इन्फेक्शन को बहुत कॉमनली पकड़ेंगे. छोटे छोटे कौन से इन्फेक्शन हैं? मोस्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हर्पीज, चिकन पॉक्स, दीज आर द वंस जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं. Now look at the breathing trouble. जब भी आपको एंजाइटी स्टेट होती है, वरी होती है, तो आपकी ब्रीदिंग की पैटर्न पूरी चेंज हो जाती है. आप गुस्से में होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग की जो पैटर्न है पूरी चेंज हो जाती है. आप एंजाइटी में होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग की पैटर्न पूरी चेंज हो जाती है. Now ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपको अंडरलाइंग अस्थमा है, आपको अंडरलाइंग सीओपीडी है, अगर अंडरलाइंग दूसरे कोई लंग कंडीशन है लाइक एम्फाइजिमा, तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है वो एंजाइटी स्टेट के चलते प्रिसिपिटेट हो जाती है, वर्सन हो जाती हैं एंड प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. नाउ देयर आर सर्टेन साइकेट्रिक इश्यूज आल्सो. नाउ अगर आपको एंजाइटी स्टेट परसिस्ट कर रही है तो ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगी. अगर आपकी स्लीप को स्टेट डिस्टर्ब करेगी तो आपका नेक्स्ट पूरा का पूरा डे ये पूरा इरिटेबल करेगी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन करेगी एंड आपको एक पर्सनालिटी जो है उसको चेंज करने की कोशिश करेगी. नाउ जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी जो एक्सेसिव वरी या एंजाइटी की श्रेणी में आती हैं, तो ये आपको एक्चुअली पैनिक अटैक और डिप्रेशन के लिए प्रोन करती हैं. कि अगर लगातार एंजाइटी बनी हुई है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बीच बीच में आपको पैनिक अटैक्स आने लगे या आपको डिप्रेशन डेवलप हो जाए इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. साइंस ऐसा मानती है कि आपकी जो एक बिहेवियर है उसमें नेगेटिविज्म बढ़ जाता है एंड आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वास्तव में कम हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट इज द सेक्सुअल हेल्थ, जो मैं चाहता हूं कि आपको समझने की जरूरत है. अगर आपको लगातार एंजाइटी बनी हुई है, लगातार आपको वरी करने की आदत है, आपको लगातार टेंशन बना हुआ है, तो आपका जो इंटरेस्ट है इन द सेक्स इट कम्स डाउन. साइंस ऐसा मानती है कि कंटिन्यूअसली जो एंजाइटी है ये आपके बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करके चलता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है. साइंस ऐसा भी मानती है कि कंटिन्यूअस एंजाइटी स्टेट है इससे आपका स्पर्म काउंट जो ना कम हो जाता है एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको वास्तव में एक इनफर्टिलिटी जैसी जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाए. साइंस ऐसा मानती है कि इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स जिनको मेनोपॉज हो चुका है उनको बीच बीच में जो हॉट फ्लैशेस आते हैं, अगर एंजाइटी स्टेट परसिस्ट करती है तो जो हॉट फ्लैशेस हैं इनके होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है. तो अगर आप ध्यान से देखें कि जहां तक एंजाइटी स्टेट, वरी करने की आदत, टेंशन करने की आदत है, तो ये सिर्फ विचार तंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये सिर्फ जो ना सोचने विचारने की समस्या नहीं है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन पर एक नेगेटिव प्रभाव डालती ही डालती है. ये जो प्रभाव है ये टेम्परेरी हो सकते हैं, ये प्रभाव परमानेंट हो सकते हैं. कि अगर आपको ज्यादा एंजाइटी के चलते आपको एक कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हुई तो वो परमानेंटली डेवलप हो गई. आपको ब्लड प्रेशर डेवलप हुआ तो परमानेंटली डेवलप हो गया. आपको डायबिटीज डेवलप हुई तो परमानेंटली डेवलप हो गई. तो जो एंजाइटी स्टेट है या वरी स्टेट है ये वास्तव में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं, उन पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है. ये जो इफेक्ट हैं कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ परमानेंट हैं एंड दे आर इररिवर्सिबल. इसलिए एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वरिंग जो एक एरियाज हैं उनको पहचाने,
एंजाइटी स्टेट को पहचानें, उसको अपनी तरफ से अलग करने की कोशिश करें। इन आप समझते हैं कि अपनी तरफ से आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर, फ्रॉम द काउंसलर, फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट लेने की जरूरत है, सो दैट आप अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज होने से बचाएं एंड अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो वरिंग इंटेंशंस को समझने में आपको मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।